प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी में साधारण व प्रभावी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार होगा यह वंशानुक्रम द्वारा ही निर्धारित होता है। ये प्रभाव शेष व्यवसायता में भी दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जैसे एक शिशु अपनी सेव व्यवस्था में ज़्यादा सक्रिय रहता है तो दूसरा कम फुर्तीला होता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सील गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित होते रहते हैं। माल्डन 1959 में अपनी पुस्तक हैरी डायरी जीनियस तथा इंग्लिश मैन ऑफ साइंस में बात कर बल दिया कि प्रभावी व्यक्तित्व सभी परिवारों में नहीं मिलते। इसके अलावा उन्हें बताया कि प्रतिनिष्ठा व सोता सभी परिवारों में मिलती है। गोडर्ड ने पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन से स्पष्ट किया है कि न्यूजिक परिवारों में बताए मंद बुद्धिवादियों थी, इसलिए उन परिवारों में बच्चे भी मंद बुद्धि वाले हुए। इसी तरह अपराधी और बात रोगी परिवारों के अगली पीढ़ी अधिकतर अपराधी तथा बात रोगी बनी। गोडान ने कलिकल परिवारों का अध्ययन किया तथा निष्कर्ष निकालते ही वंशानुक्रम के व्यक्तित्व में प्रभावी व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रभावी व्यक्तित्व निर्माण में स्थानुमंडल की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके स्थानुमंडल में सहानुभूति मंडल की सक्रियता होती है। वह परायों के ऊपर आश्रित राय मांगने वाले आदर्शवादी संपन्न लोग में विचारण करने वाले होते हैं, जबकि पार्श्वानुभूतिक मंडल अपने अवसरवादी शांत टल मोटल करने वाले स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। प्रभावी व्यक्तित्व में अंतःसाचिव ग्रंथियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हार्मोन की कदम ज़्यादा मात्रा का प्रभाव भी इस ग्रंथियों पर पड़ता है। थायराइड, एंट्रिनल, पिट्यूटरी, पीनेल, पैंक्रिया आदि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन व्यक्तित्व को पूर्णतः प्रभावी करते हैं। उचित हार्मोन का सवरण प्रभावी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। शारीरिक बनावट व संरचना भी प्रभावी व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण कारक है। जैसे रंग, स्वास्थ्य आदि का संतुलित मिश्रित प्रभावी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। वातावरणीय या सामाजिक कारकों में परिवार या घरेलू वातावरण, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक परिवेश, माता पिता का व्यवहार, अनुकरण, पड़ोस, विद्यालय, समूह के लोग आते हैं। प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार व घरेलू वातावरण मुखिया अभिकर्ता की तरह भूमिका अदा करते हैं। पारिवारिक स्नेह या प्रभावी व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि विभिन्न अध्ययनों में गोल्ड वॉक 1947 स्पष्ट है कि अधिकतर अनाथ बच्चों का व्यक्तित्व पारिवारिक प्रेम के अभाव के कारण प्रभावी व्यक्तित्व नहीं बन पाता। पारिवारिक परिवेश की सीख भी प्रभावी व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे सील गुणों का विकास होता है। संस्कृति कारक भी प्रभावी व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, मानदंड आदि प्रत्येक संस्कृति के अंग है। प्रभावी व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग मानक है। बलिनीज की संस्कृति में अंतर्मुखी वे रूखे व्यक्तियों को प्रभावशाली माना गया है। इसी तरह लहरों को भारतीय संस्कृति में शारीरिक तकलीफों को झेलने वालों को प्रभावी व्यक्तित्व माना गया है। व्यक्तित्व के 5 घटक मॉडल को प्रभावित व्यक्तित्व निर्धारण का
अद्यतन मॉडल माना गया है। पोल कोस्टा रोबोट मेक ये 5 कारक बताया है। बहुमुखी होना, अनुभवों के लिए खुलापन, सहमतिशील, मस्तापी, कर्तव्यनिष्ठा, खुले विचारों वाले। इनका व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण होता है। ये कल्पनाशील, जिज्ञासु, नए विचारों को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार, संस्कृति कार्यक्रमों में रुचि लेने वाले, गुणों से संपन्न होते हैं। सहमतिशील या मददगार, सहयोगी, दूसरों की सेवा करने वाले, मित्रवत, गुणों से भरपूर होते हैं। कर्तव्यनिष्ठा, ये परिश्रमी, अति नियंत्रण, समझदार, जिम्मेदार व भरोसेमंद, उपलब्ध प्राप्त करने वाले, गुणों से संपन्न होते हैं। फिर भी प्रभावी व्यक्तित्व के बारे में एक निश्चित निर्धारण नहीं किया जा सकता। अलग अलग समाजों में प्रभावी व्यक्तित्व के अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। कई घनिष्ठ व्यक्तियों को, कहीं शिक्षित व्यक्तियों को, कई विद्वान तो कहीं संगीतज्ञ, सहनशील, त्यागी व्यक्तियों के व्यक्तित्व को प्रभावी माना गया है। मुख्य रूप से प्रांत चर्चा में बहुमुखी, खुलेपन वाले, कर्तव्यनिष्ठ, आत्मनियंत्रित, परिश्रमी, समझदार, जिम्मेदार, भरोसेमंद, उपलब्ध प्राप्त करने वाले, गुणों से युक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावी व्यक्तित्व माना गया है। प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये समाज का निर्माण करती है। सकारात्मक संप्रेषण प्रभावी व्यक्तित्व निर्मित करता है। इससे सामाजिक समरस होकर सभी कार्य व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, जिससे समाज में शांतिमय एवं सौंदर्यपूर्ण वातावरण रहता है। रोबोट डी वर्थ के शब्दों में व्यक्तित्व और संप्रेषण दोनों एक दूसरे से मिश्र है। बिना संप्रेषण के मानवीय संबंधों की स्थापना तथा बिना मानवीय संबंधों की स्थापना के संप्रेषण असंभव है। व्यक्तित्व निर्माण में सूचना का शुद्ध भाषा में पहुँचना सकारात्मक व्यक्तित्व निर्मित करता है। यदि सूचना भक्तिपूर्ण है तो निश्चित ही विकृत व्यक्तित्व व निश्चिति का निर्माण कर देती है। भ्रमपूर्ण व्यक्तित्व का सुधार वह इस सूचना से उत्पन्न दुष्परिणाम का व्यक्तियों का निर्वाह संप्रेक्षण से ही संभव है। संप्रेक्षण में एक महत्व व्यक्तित्व से दूसरे व्यक्तित्व व्यक्तियों को सूचना प्रोषित की जाती है, अर्थात संप्रेक्षण व ग्राहक संदेश की भाषा एवं सूचना तत्व आदि मुख्य है। अंत संप्रेक्ष व्यक्तित्व में व्यक्तित्व अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ अवश्य निहित करता है। अंत व्यक्तित्व निर्माण में संप्रेक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इससे व्यक्ति का बहुआयामी विकास होता है। संप्रेक्षण के जनक प्रत्येक वक्ता और श्रोता या प्राप्तकर्ता होते हैं, अर्थात वक्ता से आरंभ होकर संप्रेक्षण श्रोता तक पहुँचता है और तभी प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, जो परिवर्तनशील भूमिका को प्राप्त करते रहते हैं। एक व्यक्ति कई व्यक्तियों को प्रभावित करता है। इसमें संप्रेक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि संप्रेक्षण का पहला और अंतिम बिंदु मानव ही है। आश्रय ये है कि किसी व्यक्ति से आरंभ होकर अन्य व्यक्ति, समूह, समाज तक जाकर समाप्त हो जाता है। व्यक्ति को समाज को कई प्रकार से प्रभावित करता है। समाज में विभिन्न लिंग, आयु वर्ग आदि संप्रेक्षण को पूर्णतः प्रभावी करते हैं। व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। व्यक्ति अपने भावों को संप्रेक्षण करता है, जो अन्य व्यक्तियों के द्वारा पसंद या नापसंद किया जाता है। व्यक्तित्व निर्माण प्रबंधन में भी संप्रेक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना निर्देश कोई भी प्रतिनिधि कार्य नहीं होता। इसके लिए कुशल नेतृत्व की जरूरत होती है। नेतृत्व करने वाले का व्यक्तित्व प्रभावी होता है, उसकी भाषा भी प्रभावी होती है। वे कर्मचारियों को कब, कहां, कौन कार्य करने के बारे में भाषा के द्वारा संप्रेषित करता है तथा अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व को निर्मित करता है। शेष सभी कर्मचारी उसके अनुरूप कार्य करते हैं। व्यक्तित्व का निर्माण मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण
संकेतित संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण आदि सभी प्रकार की होता है। संप्रेषण किसी संस्था को अपने कर्मचारियों के व्यक्तित्व निर्माण में पारस्परिक सहयोग में भूमिका निभाता है। इसे उसका समरस व्यक्तित्व निर्मित होता है। वे मधुर मानवीय संबंध स्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक स्वास्थ्य समाज का निर्माण करते हैं। किसी के व्यक्तित्व निर्माण में सूचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सूचना पूर्ति, परस्पर संकेत या सूचना के आदान प्रदान से होती है। सकारात्मक संप्रेषण सकारात्मक व्यक्तित्व निर्मित करता है, जबकि सकारात्मक संप्रेषण नकारात्मक व्यक्तित्व निर्मित करता है। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रेषण व्यक्ति को विराट फलक पर निर्मित करता है। विभिन्न संस्कृतियों व समाजों को निकट लाने, उसे समझने वाले विराट व्यक्तित्व का निर्माण करता है। संप्रेषण का महत्व व्यवसाय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। व्यवसाय में कई लोगों को मिलाकर क्रियाविधि चलती है। अंदर सभी कर्मचारियों का व्यक्तित्व मधुरिमिक संबंध स्थापन एवं समर्थतापूर्ण होना जरूरी है। अंत प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तित्व के उपरांत सभी गुणों जैसे संकट निर्देश, नेतृत्व, नियोजन सब कुछ संप्रेषण पर निर्भर करता है। यदि मनुष्य की उत्पत्ति और विकास की भूमिका विकास की वैज्ञानिक प्रक्रिया पर प्रकाश डाला जाए तो मानव जन्म लेते लेते ही संप्रेषण शुरू कर देता है। चाहे वह संप्रेषण गैर भाषाई क्यों ना हो, बाद में उसने शब्द हाव भाव आदि के द्वारा संप्रेषण किया। माँ की गोद मनुष्य की पहली पाठशाला मानी जाती है। शिशु अपने दैनिक व्यवहार से ही अपनी माँ से शुरुआती दौर में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। शिशु अपने दैनिक व्यवहार से ही अपनी माँ से शुरुआती दौर में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। धीरे धीरे शारीरिक विकास के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण भी संप्रेषण के विधि रूपों से मौखिक व लिखित रूप होता रहता है। शिशु से आगे की अवस्था में हाव भाव के माध्यम से बोलने से टूटे फूटे शब्दों से अपनी बात कहना व दूसरों की बात को संप्रेषण द्वारा प्राप्त करता है। इस संदानात्मक संप्रेषण से उसके व्यक्तित्व का पलवन होता है। व्यक्तित्व का निर्माण संप्रेषण की प्रतिक्रिया के तहत दो व्यक्तियों के मध्य होता है। कुछ विद्वानों ने एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण अंत व्यक्तित्व संप्रेषण को भी महत्वपूर्ण माना है। मनोवैज्ञानिक में अंत व्यक्तित्व को भी प्रमुख माना गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों फाइंड जुंग ने अहम इदम आदि अंत जगत को भी महत्वपूर्ण बताया है, जिसकी व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। चाइना में व्यक्तित्व निर्माण में संप्रेषण का चाइनीज मॉडल काफ़ी प्रमुख है। चीन में व्यक्तित्व निर्माण में संप्रेषण विशेषज्ञ विचारों को महात्मा बुद्ध के विचारों को बहुलता है। देश के प्रति कादरी शांति आदि संप्रेषण विशेष चाइनीज मॉडल का कतिपय विशेष है। इसी प्रकार ईसाई समुदाय में व्यक्तित्व निर्माण में मुख्य स्वतंत्र विचारों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संप्रेषण करता है। इसमें भी मानव के मध्य उत्तांत मूल्यों के संप्रेषण पर बल दिया गया है। यूरोप के अधिकांश देश संप्रेषण की इसी व्यवस्था पर केंद्रित है। इससे ईसाई धर्म के मूल्यों को व्यक्तित्व निर्मित का आधार मानते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय में व्यक्तित्व निर्माण में संप्रेषण की जो भूमिका है वह दो अधिकारों पर निर्मित है। गैर रूढ़िवादी रूढ़िवादी, इसमें इस्लाम धर्म के विचारों को संप्रेषित किया जाता है जो दो गुटों में विभाजित है। शुद्ध एवं पवित्र मॉडल, दूसरा इस धर्म के ठेकेदारों एवं मौलवियों के द्वारा सभी को अपने जुगल में फंसाकर
खून खराबा फैलाने वालों द्वारा संचालित ये लोग नफरत फैलाने में अमन चैन स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण विचारकों का संप्रेषण करते हैं। मॉडल में संप्रेषण की प्रतिक्रिया द्वारा ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है जो वितरित चित्त दूर निदीय होता है। इसमें ऐसे व्यक्तित्व निर्मित होते हैं जो जातीय दंगे फैलाते हैं, औरतों पर पाबंदियां लगाते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, सक्रियता ग्रस्त होते हैं तथा अन्य असामाजिक कार्य करते हैं। हालांकि इसके मूल का कारण कुछ भी हो जो पर्सन के विषय है, जबकि दूसरे पक्ष के लोग जो शुद्ध एवं पवित्र पक्ष अमन चैन में विश्वास रखने वाले हैं, वे एक समरसता पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। संप्रेक्षण का उदारवादी मॉडल भी व्यक्तित्व निर्माण में भूमिका का निर्वाह करता है। इसे संप्रेक्षण का सर्वश्रेष्ठ मॉडल माना जाता है। इस मॉडल में सर्वश्रेष्ठ विचारों का संप्रेषण किया जाता है। इसमें संप्रेक्षण द्वारा जैनिक जीवन के कार्यों को करने का प्रशिक्षण मिलता है। समस्याओं को समझने, संस्कारपूर्ण शिक्षा के स्तर को बढ़ाने जैसे बिंदु पर विचार किया गया है, जबकि कट्टरवादी मॉडल कुचित व्यक्तित्व का निर्माण करने में संप्रेक्षण के कुचित रूप का संप्रेक्षण करते हैं। इसमें धर्म जाति विषयक कुचित विचारों का संप्रेक्षण किया जाता है और एक तरफा विचारों के अनमेकतापूर्ण थोपा जाता है। इस मॉडल के अंतर्गत नेपाल, वर्मा, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान आदि में व्यक्तित्व को विचारों में ढाला जाता है। विशेषकर जिन विचारों को देश के नेता चाहते हैं, सरकार की आलोचना करना सरल कार्य नहीं है। यहाँ महिला की शिक्षा प्राप्ति, स्वतंत्रता तथा अन्य कुचित व्यवहार विचार हावी रहते हैं, समानता की व्याप्ति नहीं होती। वैदिक मॉडल में संस्कार एवं समर्थतापूर्ण विचारों के संप्रेक्षण की जान पर बल दिया जाता है, जिसमें पहले मौखिक संप्रेक्षण पर बल दिया जाता था, परंतु धीरे धीरे तकनीकी विकास के साथ यह लिखित न डिजिटल रूप लेता गया। भारतीय संस्कृति में परंपरा के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसमें त्याग, बलिदान, लोक कल्याण, परिहित आदि उचित विचारों को प्रमुखता दी जाती है। इसमें सर्वहित अर्थात सर्वजन हिताय के विचारों की प्राथमिकता दी जाती है। भारत के विभिन्न समाजों में संप्रेक्षण के दो आधार मिलते हैं, रूढ़िवादी, गैर रूढ़िवादी। अस्तु के विचारों से संप्रेक्षण मौखिक रूप से व्यक्तित्व निर्मित करता है, क्योंकि उसके काल में मौखिक संप्रेषण प्रचलित था। हॉल डी लास वेयर ने संप्रेषण से व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया है। वीवर सेल्सम ने कर्तव्य प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को व्यक्तित्व निर्माण में प्रमुख माना है। बलबरो का मॉडल व्यक्तित्व निर्माण को प्रमुखता से परिभाषित करता है। इसके आँख, नाक, कान आदि इंद्रियों द्वारा प्रसिद्ध ग्रहण को व्यक्तित्व निर्माण में प्रमुख माना गया है। संप्रेषण एक भाषिक व्यवहार है जिसका प्रयोग लेखन, प्रसन्न, पाठन, श्रोता सभी करते हैं, किंतु भाषा एक व्यक्तित्व तथा दूसरों के माध्यम संप्रेषण धरतल का कार्य करती है। यह भाषा विश्व भाषाओं में से कोई हो, अंतर्भाषाई समस्ता को कुशलता, व्यक्तिगत और सामाजिक संप्रेषण का आधार बनाती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित विचार और भाव उसकी भाषा और व्यवहार को संचालित करते हैं। ये उसके व्यक्तित्व के आंतरिक भ्रमारूपों की निर्मित भी करते हैं। व्यक्ति का निजी व सामाजिक पक्ष भी होता है। सामाजिक पक्ष में परिवार, समाज, वर्ग, आयु, लिंग आदि आते हैं। व्यक्तित्व आंतरिक बाह्य जगत दोनों से निर्मित होता है, एक आंतरिक परिवेश तथा दूसरा सामाजिक परिवेश। अंत संप्रेक्षण व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर कार्य करता है। इसी तरह आज ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्तियों की जरूरत है जो शीघ्र निर्णय में उसका कार्यान्वयन कर सके। ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है।
आज के समाज में मधुरम संबंध रखने वाले लोगों की कमी है। यदि समाज में समरसता संबंध मधुरम रहे तो समाज में ईर्ष्या द्वेष खत्म ही हो जाएगा। फिर चाहे घर हो या कार्यालय, अंत ऐसे व्यक्ति के निर्माण में संप्रेषण प्रभावी भूमिका अदा करता है। जैसे कि रॉबर्ट डी वर्थ ने कहा है, बिना संप्रेषण के मानवीय संबंधों की स्थापना तथा बिना मानवीय संबंधों की स्थापना के संप्रेषण असंभव है। वीडियो खत्म हुई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।